हेलो एवरीवन, आर वी लाइव नाउ? हेलो दिवांशु, सलमान, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून शीतल, सुमित, जिज्ञासिनी, कृष्णा. ओके गाइस, तो फटाफट से सेशन को आज करते हैं स्टार्ट. ओके एक बार सभी लोग इसको ना लाइक एंड शेयर कर दीजिए. एक बार फटाफट से सभी जगह पर इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए. हेलो एवरीवन, हेलो. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका सुपर सिलेक्शन सेल जो है वो स्टार्ट हो चुका है. इसमें आपको मिलेगा 30% ऑफ ऑन ऑल बैंकिंग सब्सक्रिप्शन. लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर, जितने भी आपके बैंकिंग के कोर्सेज हैं ना, लाइक जैसे आपका ECGC का है, RBI असिस्टेंट का कोर्स है, जितने भी ये मेंस का कोर्स है और ये काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं ये अवेलेबल है 50% ऑफ पर ऑन शीतल कोड. तो उसको आप जाके देख सकते हैं. olivebore.in की वेबसाइट पर जाइए आप. वहाँ पर ना आपको ऐसे इधर की तरफ कुछ ऐसे, जैसे ये स्क्रीन है ना, तो इधर की तरफ आपको कुछ गेट ऑफर्स करके दिखेगा. सबसे टॉप पे एक रेड कलर में गेट ऑफर्स होगा या फिर रनिंग ऑफर्स ऐसे करके कुछ होगा, रेड कलर में चल रहा होगा. उस पर जब क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर ऑफर्स में खुल के आ जाएंगे आपके बैंकिंग सब्सक्रिप्शन. उसी के साइड में यहाँ पर आपको ना बहुत सारी चीज़ें दी हुई होंगी कि रिलेटेड टू बैंकिंग, जो भी आपको कोर्स परचेज करना है वो कर सकते हैं. अदरवाइज olivebore.in की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे ना तो आपको होम पेज पर ही दिख जाएगा. बस कोड याद रखना आपको शीतल यूज़ करना है, ठीक है. और 3 महीने की वैलिडिटी आपको फ्री मिल रही है सभी बैंकिंग सब्सक्रिप्शन पे. मान लीजिए अगर 9 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 3 महीने का olivebore की तरफ से कंप्लीटली फ्री है. आपको सिर्फ 9 महीने का प्राइस देना है और उस पर भी 30% ऑफ है, ठीक है. फिर आपका 22 अप्रैल से लेके ये 25 अप्रैल तक आपका ऑफर चल रहा है. 25 को खत्म हो जाएगा. आपका ESI UDC मेन सुपर प्रैक्टिस बैच है आपका 16 अप्रैल से शुरू हुआ है. इसमें GA सेक्शन मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ. 45% ऑफ मिलेगा ऑन शीतल कोड. ये बैंकिंग सुपर एलीट प्लान में इंक्लूडेड है. ECGC PO का प्रैक्टिस प्लस डिस्क्रिप्टिव कोर्स है, जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और GA की लाइव क्लासेस के साथ साथ 20+ वीडियो क्लासेस भी मिलेंगे और लाइव प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए. और शीतल कोड का आपको इधर यूज़ करना है. RBI असिस्टेंट मेंस का सुपर प्रैक्टिस बैच भी आ चुका है. तो अगर आप RBI असिस्टेंट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका बैंकिंग सुपर एलीट प्लान में इंक्लूडेड है. इंडिविजुअल परचेज करना चाहते हैं तो 45% ऑफ मिलेगा शीतल कोड पर. अगर बैंकिंग सुपर एलीट प्लान लेके और तब उसको देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. बैंकिंग सुपर एलीट प्लान पर भी आपको शीतल कोड कूपन कोड में जरूर लगाना है शीतल. ओके, शीतल लिखना है, SHEETAL, बस इतना सा लिखना है आपको. उसके साथ में अगर कंप्यूटर अवेयरनेस का आपको अलग से यहां पर बैच परचेज करना है, सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं RBI असिस्टेंट मेंस के लिए या ECGC PO के लिए, तो अगेन ये भी आप अवेल कर सकते हैं. शीतल कोड के साथ में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यानी कि 45% ऑफ मिलेगा. और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं. और मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि बैंकिंग सुपर एलीट प्लान लीजिए शीतल कोड लगा के, क्योंकि इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है. और बैंकिंग सुपर एलीट प्लान में बैंक और इंश्योरेंस के सभी बैचेस, सभी कोर्सेज, लाइव पुराने सब कुछ मिलेगा. साथ में 2000 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट, GK, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. January to March बुक्स एंड ऑथर्स के करंट अफेयर्स और शीतल शर्मा 01 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, आंसर करिए क्या होगा. हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रेन ऑन ह्यूमन राइट्स. इसके इस बुक के जो लेखक हैं वो कौन रहे. बुक का नाम था द बॉय हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो लड़का जिसने क्या लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लिखा, जिसने एक बच्चों के ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक प्ले के बारे में जो बोल रहा है. ये बच्चों की ही किताब है. जो किसके ऊपर लिखी गई है, कब ये अनवेल की गई है, ये आपकी अनवेल की गई है BR अंबेडकर जी के बर्थ एनिवर्सरी पर. जल्दी से बताइए BR अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है और इस साल कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, तो आंसर इधर क्या होगा.
बिल्कुल सही है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजेश तलवार जो है उन्होंने ये बुक यहाँ पर लिखी है। एक तो एम डॉट यार यू आर सुपर हिलेरियस, मैंने कल एक तो मैं जानना चाहती हूँ तुम इतने मैसेजेस कैसे कर लेते हो, मेरे तो खुद हाथ में दर्द हो जाता है अगर मैं ज़्यादा देर फ़ोन को पकड़े रखूँ, इतने सारे कॉमेंट्स, मुझे तो खुद ऐसा लगता है यार मैं कितना रिप्लाई करूँगी जब आप लोगों के आते हैं, फिर भी मैं रिप्लाई करती हूँ। लेकिन एक बंदा खुद से लगा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं है, रिप्लाई आए ना आए पता नहीं, और पता नहीं क्या क्या लिख रखा है उसमें, आधी बार तो मैं पढ़ती भी नहीं हूँ। मैंने आज पढ़ा एक, पता नहीं कल क्या कमेंट था, मुझे बहुत हंसी आई। अलग ही लेवल के बंदे हो यार तुम। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, लेकिन एम डॉट ठीक है। बाकियों को भी बोल दो अपने स्टाइल में कि कैसे लाइक एंड शेयर करना है। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, राजेश तलवार ने इसको लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? B.R. अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी जो कि आती है 14th of April को आती है, ठीक है, 14 अप्रैल को ये आती है, 14th अप्रैल को ये आती है। और इस बार हमने कौन सी इनकी बर्थ एनिवर्सरी बनाई, तो 131st बर्थ एनिवर्सरी बनाई, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने सुभाष बोस जी पर भी लिखी है एक बुक जिसका नाम दिखा द वैनिशिंग ऑफ सुभाष बोस, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उनका जो गायब हो जाना था उसके ऊपर भी इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर किताब लिखी है, ठीक है। आपको फिलहाल बस इतना ही याद रखना है, राजेश तलवार ने किताब लिखी है, B.R. अम्बेडकर जी के बर्थ एनिवर्सरी पर उसको रिलीज़ किया गया था, द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज यहाँ पर आंसर करिए क्या होगा फटाफट से सभी लोग, इंडियन ऑथर डैश हैज लॉन्च्ड हिज बुक हियर योरसेल्फ फॉर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन मुंबई, किसने लिखी है ये बुक, तो आंसर क्या हो जाएगा इधर फटाफट से बताइए, भानु सिंह, सचिन शर्मा, विजय भारद्वाज या फिर प्रेम रावत, ठीक है, क्या हो जाएगा इधर करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो प्रेम रावत इधर दिखे हुए हैं ना, इन्होंने यहाँ पर लिखी है हियर योरसेल्फ, और ये बुक जो है ये न्यूयॉर्क के टाइम्स बेस्ट सेलर बुक ऑलरेडी रह चुकी है, ये न्यूयॉर्क के टाइम्स बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है ये ऑलरेडी, जिसको अभी यहाँ पर इंडिया के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा ये बुक 58 कंट्रीज और 5 लैंग्वेजेस में लॉन्च की जा चुकी है, और अब ये इंडिया में लॉन्च हुई है, तो याद रखिएगा आंसर करेक्ट क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा डी, प्रेम रावत। इसमें मैंने यहाँ पर ना अप्रैल के भी क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, ये सारे आपको यहाँ पर अप्रैल के बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब इधर क्वेश्चन आ चुका है ऑन योर स्क्रीन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स द वेटरन बंगाली ऑथर अमर मित्रा हैज वॉन ओ हेनरी प्राइज 2022। इनमें से कौन सी बुक के लिए, कौन सी ऐसी किताब के लिए जो ऑथर है अमर मित्रा, उनको यहां पर क्या मिला है, ओ हेनरी अवार्ड मिला है, आंसर क्या हो जाएगा, दुर्गेश नंदिनी, गौन बोरो, एक कुश्ती गल्पो या फिर कपाल कुंडला, क्या हो जाएगा अभी इधर करेक्ट आंसर। वीडियो को सभी लोग प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, वेरी नाइस, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर जिन्होंने किया है वो है इधर सलमान का आंसर करेक्ट है, यहाँ पर ऋषि का आंसर इधर करेक्ट है, एंड अर्जुन स्टडी का आंसर यहाँ पर, गुड मॉर्निंग अर्जुन स्टडी, दत्ता का आंसर बी है इधर, सुमित का आंसर करेक्ट है, गाँव बुरो जो है इसके लिए इनको क्या मिला है, ओ हेनरी प्राइज मिला है। ओ हेनरी प्राइज किस लिए दिया गया है इनको, अमर मित्रा को दिया जाता है ओ हेनरी प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है, याद रहेगा आपको कैसे ये है, बंगाली ऑथर है अमर मित्रा, बंगाली ऑथर, लिटरेचर में मिला है ओ हेनरी प्राइज, कौन सी किताब के लिए मिला है, तो याद रखिएगा गांव बुरो के लिए मिला है, क्या मिला है, गांव बुरो के लिए मिला है अमर मित्रा को, ये क्या है, बंगाली ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आंसर करिए फटाफट से क्या होगा, हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू नॉवल टाइटल क्वीन ऑफ फायर विच फोकसेज ऑन द स्टोरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी जो है उनके ऊपर ये स्टोरी कुछ उनके ऊपर अराउंड रिवॉल्व करती है क्वीन ऑफ फायर नाम की, तो आंसर इधर क्या होगा,
बिल्कुल सुमित दास, ओल्ड मैन ऑफ विलेज उसका मतलब है। गुड आफ्टरनून अमरजीत सिंह, कैसे हैं आप? भुवन का आंसर यहाँ पर करेक्ट है और रिची का आंसर इधर करेक्ट है। अभिलाष बोल रहे हैं देविका, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देविका रंगाचारी जो है उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो सी आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये अवार्ड विनिंग चाइल्ड राइटर और हिस्टोरियन रह चुकी है देविका रंगाचारी, जिन्होंने यहाँ पर नई नॉवल लिखी है। नॉवल कैसी है, पिक्टोरियस नॉवल है, यानी कि पेंटिंग्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू नॉवल जो है इन्होंने डिपिक्ट की है। और किसके ऊपर है, रानी लक्ष्मी बाई के ऊपर है, रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी के ऊपर इन्होंने लिखा है, ताकि लोगों को यू नो पता रहे कि हमारी जो पुरानी कल्चर है, हमारी जो स्टोरीज हैं, बच्चों को वो पता रहे कि किस हिसाब से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति खेली और वहाँ पर क्रांति छेड़ी, और उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक बहुत ही वीरता के साथ में मुकाबला किया अंग्रेज़ों का। नेक्स्ट इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। तो ये ट्राइबल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा यूनिक ट्राइबल लीडर ये रहे थे, ट्राइबल राइट्स के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ करा, तो इसलिए इनको जनजातीय नायक बोला जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये यहाँ पर इसके ऑथर कौन है और इनको रिलीज़ कौन से यूनियन मिनिस्टर ने किया है, तो आंसर इधर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो याद रखिएगा ये जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है इधर, तो याद रखिएगा वो लिखी है आपके प्रोफेसर आलोक चक्र रावल ने। किसने लिखी है, आपके आलोक, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने यहाँ पर लिखी है। चक्रवाल जी जो है ये कौन सी जगह पर प्रोफेसर हैं, तो याद रखिएगा ये प्रोफेसर के साथ साथ ये वाइस चांसलर है इन गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। ये गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो आपको आई थिंक पता ही होगा कि ये छत्तीसगढ़ में है। ये यूनिवर्सिटी बिलासपुर जगह पर पड़ती है, जो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। फिर आपसे मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर कौन से इसने मिनिस्टर ने इसको रिलीज़ किया या लॉन्च किया, तो याद रखिएगा इस बुक का जो अनावरण किया गया वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ने किया। क्या हो जाएगा आंसर, धर्मेंद्र प्रधान ने इसको क्या किया है, रिलीज किया है। तो ये कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, याद रहेगा आपको इधर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ बुक ऑन रानी लक्ष्मीबाई इज रिटन बाय विच ऑथर, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, और आई गेस इसमें किसी का भी गलत नहीं होगा यहाँ पर, चाहे नहीं भी बताओ तो अब आपको पता है आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, देविका रंगाचारी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आंसर करिए क्या होगा, हु हैज ऑथर्ड द न्यू बुक टाइटल डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम। ये जो नई बुक है जिसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है डिकोडिंग द इंडियन बाबू डॉम। ये किसने लिखी है, तो आंसर इधर क्या हो जाएगा, बाबू डॉम के नाम की, ये इंडियन बाबू डॉम जो है, बाबू डॉम से मतलब क्या है इधर देखो, ऑप्शन है आपके अमिताभ कुमार, मिथिलेश तिवारी, रत्नाकर शेट्टी या फिर अश्विनी श्रीवास्तवा। यहाँ पर याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा इधर अश्विनी श्रीवास्तवा, इन्होंने यहाँ पर लिखा है, किससे रिलेटेड है। अब आपने ये नहीं सुना होगा कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके सरकारी बाबू कहा जाता है, तो ये जो बाबू डॉम चलता आ रहा है गवर्नमेंट, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया का, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है बाय जर्नलिस्ट अश्विनी श्रीवास्तवा, ठीक है। यहाँ पर अश्विनी श्रीवास्तवा जो है इन्होंने इस टाइप का पूरा जो जर्नलिज्म है अराउंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया, उसके ऊपर ये डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम लिखा है। किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेट सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको यहां पर ऑथर किसने किया, अश्विनी श्रीवास्तव ने, लेकिन पब्लिश किसने किया है, तो पब्लिशिंग हाउस का भी इधर नाम याद रख लीजिएगा, पब्लिशिंग हाउस जो है इधर वो है वितस्ता पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, वितस्ता पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, और इसी के साथ में ऑथर ने यहां पर 15 सूत्र जो हैं, यानी कि 15 ऐसे पॉइंट्स जो हैं, सूत्र जो हैं, वो यहाँ पर रेकमेंड किए हैं, जिसमें हम बहुत ही अच्छे से गुड एंड इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट्स ला सकते हैं उन पॉइंट्स को, उन सूत्रों को फॉलो करके, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए एग्जामिनर द्वारा। नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल स्फूर्ति प्रदार्थ श्री सोमैया रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू।
स्फूर्ति प्रदार्थ श्री सोमैया ये क्या रहे, ये सोशल रिफॉर्मर रहे। और यहाँ पर इन सोशल रिफॉर्मर के ऊपर ये जो बुक लिखी गई है स्फूर्ति प्रदार्थ श्री सोमैया नाम की, तो सोमैया एक सोशल एक्टिविटिस्ट भी थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए। एम वेंकैया नायडू जो हैं उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, उसको रिलीज़ किया है इस बुक को। जिसको लिखा किसने है, तो के श्याम प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है, के श्याम प्रसाद ने लिखा है। यहाँ पर जो सोमैया हम बात कर रहे हैं तो इनका एक्चुअल नाम है श्री सोमपल्ली सोमैया। ओके, सोमपल्ली सोमैया इनका नाम है। और ये आपके आंध्र प्रदेश के एक सोशल वर्कर रहे हैं। कौन सी जगह पर ये सामाजिक कार्यकर्ता रहे, तो ये आंध्र प्रदेश के ऊपर रहे, जिनके ऊपर ये किताब पूरी लिखी गई है। इन्होंने जितने भी यूथ था, जितना भी युवा था, उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि वो अपनी ज़िंदगी है वो सामाजिक कल्याण के लिए लगाए। इसी के साथ में इसको रिलीज़ किसने किया, इसको रिलीज़ किया केशव प्रसाद ने। और ये कौन से विलेज से बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश में, तो याद रखिएगा परलामिली विलेज जो है, परलामिली विलेज जो है आंध्र प्रदेश का, उससे ये बिलोंग करते हैं करते थे, जिसके ऊपर इनकी किताब जो है वो लिखी गई है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर क्या होगा। हु हैज़ ऑथर्ड चिल्ड्रंस बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय, किसने लिखी है ये लिटिल बुक ऑफ जॉय, तो क्या हो जाएगा आंसर, हु हैज़ ऑथर्ड अ चिल्ड्रंस बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ऑप्शन है देशमंत तूतू, दलाई लामा, पेनपा सेरिंग, या फिर बोथ ए एंड बी, क्या हो जाएगा इधर आंसर। क्या देशमन टूटू ने लिखी है, क्या दलाई लामा ने लिखी है, पेनपा ने लिखी है, या दोनों देशमन और दलाई लामा ने लिखी है। वेरी नाइस, यहाँ पर आंसर एकदम सही जा रहा है, टूटू प्लस लामा बिल्कुल सही है। सुमित मनस का आंसर करेक्ट है, अर्जुन का आंसर इधर करेक्ट है। थोड़ा सा ना स्पीड पकड़ते हैं, फास्ट करते हैं, एनर्जी रखते हैं, ताकि मज़ेदार सेशन हो। फटाफट से इसको एक घंटे में कंप्लीट करना है हमको, और साथ में रिवीजन भी करना है, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। अगर 3-4 महीने का मैंने उठा के देखा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अराउंड कुछ 50-55 क्वेश्चन मुश्किल से होंगे। ठीक है, फटाफट करें इसको कंप्लीट। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि देशमन टूटू और दलाई लामा दोनों ने यहाँ पर किया है, दोनों ने इधर इस बुक को लिखा है। अब मैं अगर आपसे यहाँ पूछूँ कि जो आपकी ये बुक है, ये बुक पिक्चर बुक है, ये इसको ऑथर दो लोगों ने किया, इनमें से जो आपके नोबल पीस प्राइज विनर्स हैं, 14th दलाई लामा जो क्या है आपके नोबल पीस प्राइज विनर हैं, और आर्ची बायशॉप है कौन, ये है आपके देशमन टूटू, इन दोनों ने लिखी है लिटिल बुक ऑफ जॉय। जो इन्होंने कब ये एक्चुअल में लॉन्च करने वाले हैं या कब तक रिलीज़ हो जाएगी, तो ये सितंबर 2022 तक आपकी रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये इलस्ट्रियस बुक बनाई है, यानी कि पेंटिंग वगैरह से पिक्चर बुक है ये, तो उन आर्टिस्ट जिन्होंने ये इलस्ट्रेशंस बनाई हैं उनके नाम भी याद रखने ज़रूरी हैं। एक है आपके रफेल लोपेज है, और दूसरे कौन से हैं, रैशल न्यूमैन है, एक है रैशल न्यूमैन और एक कौन से हैं, रफेल लोपेज जो हैं, उनके साथ में डॉगलास एब्राम्स जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो ये तीन लोग जो हैं ये आर्टिस्ट थे इलस्ट्रेशंस के लिए, पिक्टोरियस इलस्ट्रेशंस के लिए, पिक्चर की जो देखा होगा आपने, पिक्चर्स ही बनी होती हैं, ऑयल पेंटिंग्स या इस टाइप से बना रखा होता है उससे। इसके अलावा भी द बुक ऑफ जॉय नाम से भी यहाँ पर निकाल चुके हैं कौन, दलाई लामा। इधर पहले भी 2016 में द बुक ऑफ जॉय नाम की, लास्टिंग हैप्पीनेस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, ये भी एक बेस्ट सेलर रही थी, और 1 मिलियन से ज़्यादा इसकी कॉपी जो थी वो सेल हुई थी, 40 से ज्यादा लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हुई थी, 2016 में आपकी आई थी यहां पर बुक ऑफ जॉय, जिसमें इन दोनों ने ही क्या किया था, इसको को ऑथर किया था। अब लिटिल बुक ऑफ जॉय यानी कि चिल्ड्रंस बुक है ये। नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी, इनमें से किसने लिखी है अनफिल्ड बैरल्स यानी कि इंडिया ऑयल स्टोरी। ऑप्शन है आपके सोमा, शैली, अर्चना, या फिर ऋचा मिश्रा, क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर डी, ऋचा मिश्रा। एंड यहाँ पर सबसे पहले जिनका आंसर आया है, अगेन यहाँ पर आंसर किया है सलमान का आंसर करेक्ट है, शीतल का आंसर करेक्ट है इधर, और मधु का आंसर करेक्ट है, देवांशु, सुमित, अंकित, एम डॉट, दीप कना, अक्षिता, स्वाति गोयल, इरिन, अंकुश,
एंड अभिलाष का आंसर करेक्ट है, सैम का आंसर करेक्ट है, निकिता लोकेश का आंसर करेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर ऋचा मिश्रा है जिन्होंने ये बुक जो है ऑथर की है। अगर आपसे पूछो कि ये बुक की जो हाईलाइट है वो किसके ऊपर, किस इंसान के ऊपर बेस्ड है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये केशव देव मालविया के ऊपर बुक लिखी गई है। केशव देव मालविया ये वो थे जो आपके 1970s के अराउंड, मालविया जी जो थे 1970s के अराउंड ये क्या रहे थे, आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे थे। तो उस टाइम पर क्या पेट्रोलियम की क्या सिचुएशन थी, क्या इन्होंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ की, ऑयल टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने डिग्री लिया हुआ था, और इसके अलावा इन्होंने ONGC बड़े ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कंपनीज़ हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनको यहाँ पर किस हिसाब से इन्होंने टैकल किया, और इन सब में क्या रोल रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, ये सारा कुछ इस बिजनेस में दिया हुआ है। ऋचा मिश्रा जो है ये आपकी एक जर्नलिस्ट है जो कि एक चैनल जो है, एक जो आपकी द हिंदू की बिजनेस लाइन है ना, उसके लिए ये आर्टिकल्स वगैरह और न्यूज़ वगैरह भी कंट्रीब्यूट करती हैं। द हिंदू के लिए जो बिजनेस लाइन है उसके लिए ये जर्नलिस्ट वहाँ पर हैं, एज अ जर्नलिस्ट इन्होंने इसको लिखा है। नेक्स्ट है आपका नेम द ऑथर ऑफ द बुक कॉल रिस्ट अश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, इनमें से किसने लिखी है रिस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, रिस्ट मतलब कलाई, ठीक है, और अश्योर्ड यानी कि जितने भी ऑप्शन आपको देख पा रहे हो आप, तो वो आपको सारे क्रिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, है ना, कपिल देव, सुनील गावस्कर, GR विश्वनाथ या फिर सचिन तेंदुलकर। तो आपको पता है कि यहाँ पर इनमें से किसी की तो नहीं है, किसकी है यहाँ पर, ये जो नहीं आई है ऑलरेडी इन तीनों ने अपनी ऑटोबायोग्राफीज पहले निकाल चुके हैं। ये इस बार किसने निकाली है, GR विश्वनाथन ने निकाली है यहाँ पर, जिसको लॉन्च किसने किया है, को ऑथर किसने किया है, तो याद रखिएगा GR विश्वनाथ एंड R कौशिक जो है इन्होंने साथ में मिलकर किया। देखो ये तो क्रिकेटर है, कोई ऑथर थोड़ी है, तो R कौशिक जो है ये तो ऑथर है, इनको लिया है कि भाई आप इसको, आप लेखक है, आप लिखिए, मैं आपको बताता हूँ अपनी पूरी जीवनी के बारे में। इन्होंने अपना पूरा जो करियर है वो इन्होंने बताया है इसमें, जैसे कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना स्टार्ट किया था, जितने भी ये टेस्ट क्रिकेट इन्होंने खेले बिटवीन 1969 टिल 1969 से लेकर 1986 के बीच में इन्होंने जितने भी अपने 91 मैचेस खेले, और उसमें इन्होंने 6000 से ज़्यादा रन स्कोर किए, मोर देन 6000 रन्स इन्होंने अपने इस टाइम में स्कोर किए थे अपने 91 मैचेस में। यहाँ पर आपके कपिल देव और सुनील गावस्कर जो है इन दोनों ने मिलके इस बुक का अनावरण किया है, इसको रिलीज़ किया है, जो आपका कौन सी जगह पर ये रिलीज़ हुआ है, तो ये जो सेरेमनी हुई थी ये फर्स्ट डे हुआ था, जो आपका सेकंड टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन बेंगलुरु कर्नाटक में, इंडिया और श्रीलंका का जो मैच था उसके सेकंड डे पर इसको रिलीज़ किया गया था बाय कपिल देव एंड सुनील गावस्कर, एंड दिस बुक इज़ अबाउट GR विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आंसर करिए क्या होगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड्स OT। तो ये मैं आपको शायद पहले भी करा चुकी हूँ, अभिनव चंद्रचूड, रत्नाकर शेट्टी, तेतम इराज, उदिया वाडिया या फिर गीतांजलि श्री। पता नहीं मेरे गले में क्या हो चुका है, सभी के साथ बफरिंग हो रहा है, सिर्फ अक्षिता के साथ में। वेरी नाइस, निकिता का आंसर करेक्ट है, गोकुल का आंसर करेक्ट है, स्वर्ण जयंत का आंसर करेक्ट है, अर्जुन, अभिषेक तिवारी, वैभव, देवांशु, मानस, सुमित, शीतल एंड अमरजीत हैज़ गिवन करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, तेतोम एरेक उदावाडिया जो है इन्होंने ये क्या किया है, ये बुक निकाली है। अब मुझे ये बताइए, तेतोम इराक उदावाडिया जो है इनको भारत के अंदर किस चीज़ का फादर बोला जाता है, तो आंसर क्या होगा, सबसे पहली बार कौन सी चीज़ इन्होंने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की, और उसी के साथ में ये किस फील्ड से, किस चीज़ के ये डॉक्टर हैं, तो आंसर क्या होगा। पहले तो याद रखिएगा ये डॉक्टर हैं जो कि क्या हैं, गैस्ट्रो इंटेस्ट यार ये मेरे से बोला क्यों नहीं जा रहा है देखो गैस्ट्रो और इंटेस्टाइन जो है ना उसके ये डॉक्टर है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। यार मेरे साथ में कुछ है, स्पीच का कुछ प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे ठीक करूं, लेकिन हो जाती है मुझसे ना प्रॉब्लम, और मैं बहुत बेसिक से वर्ड्स में भी कई बार गलती कर देती हूँ,
ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ही इनको बोला जाता है फादर ऑफ, मैंने आपको बताया भी था, लैपेरोस्कोपी, फादर ऑफ लैपेरोस्कोपी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार ये लैपेरोस्कोपी से एक सर्जरी किया था सबसे पहले इन द ईयर 1972, और इसके बाद में इन्होंने फर्स्ट ऐसी सर्जरी जो आपके डेवलपिंग वर्ल्ड में करने वाले ये पहले ऐसे डॉक्टर बने थे 1990 में, इंट्रोड्यूस किया था कब 1972 में लैपेरोस्कोपी को सभी के सामने, इंडिया के सामने, और उसके बाद परफॉर्म कब किए लैपेरोस्कोपिक सबसे पहली बार, तो परफॉर्म्ड इन 1990, ठीक है। मैंने ये भी बताया था इनको पद्मश्री भी मिल चुका है मेडिसिन में, और इसी के साथ में इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण इज़ द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वेयर एज पद्मश्री इज़ द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पद्मश्री मिला इन्हें 2006 में, पद्म भूषण मिला इन्हें 2017 में, और दोनों में ही मेडिसिन की कैटेगरी में इनको मिला है, मेडिसिन की फील्ड में इनको मिला है। लेकिन इनको OBE अवार्ड यानी कि ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जो अवार्ड है वो भी इनको मिल चुका है बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन द ईयर 2006। तो 2006 में ये OBE अवार्ड भी मिला और पद्मश्री भी, दोनों इनको वहीं मिला है। कहाँ से हैं ये, मुंबई से हैं, और ये जनरल सर्जन भी है एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जन भी है। देखो मैं बोल लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं लेती हूँ, कभी कभी मेरे साथ हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये होता रहता है, किसी के भी साथ हो सकता है, तो इस बात का मजाक ना बनाइएगा बिल्कुल भी। वीडियो को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कर दो, मतलब हद कर दिया है, 100+ लाइव काउंट तो छोड़ो, 80-90+ तुम्हारा लाइव काउंट नहीं जाता है। पहले एग्जाम तो होने दो, तभी तो बताऊंगी भुवन तुम्हें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो तब पूछना, अभी तो ये पूछ लो कि मैम गुड अटेम्प्ट्स कितने कर सकते हैं, अभी तो ये पूछना बनता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो पूछना बनता नहीं है। ESIC का MTS का एग्जाम हुआ है तुम्हारा, जो पता लगेगा इधर। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी हैज पब्लिश्ड अ बुक लेंथ पोयम टाइटल मॉनसून, हु इज द राइटर ऑफ दिस पोयम। साहित्य अकेडमी ने यहाँ पर एक बुक जितनी लेंथ की पोयम लिखी है मॉनसून, उसके यहाँ पर जो लेखक हैं वो कौन होंगे, तो याद रखिएगा उनका नाम है अभय के। अभय के जो हैं ये आपके एक ऑथर भी हैं, पोइट भी हैं और डिप्लोमैट भी हैं, ठीक है। इन्होंने मॉनसून जो यहाँ पर पूरी किताब लिखी है, एक पोयम जो लिखी है किताब के हिसाब की, इस पोयम के अंदर 150 स्टैंजा हैं और हर एक स्टैंजा में यहाँ पर 4 लाइंस हैं हर एक स्टैंजा में, तो 4 लाइंस ईच वाले 150 स्टैंजा हैं इधर। इसी के साथ इन्होंने यहाँ पर अपनी जो जर्नी है, ये इन्होंने इसकी जो जर्नी है वो शुरू की थी मेडागास्कर में, और वो कैसे कैसे मॉनसून जो है वो इंडिया तक अपना जो पाथ है वो क्लियर करती हुई जाती है। उसके बाद में यहाँ पर इनका मेडागास्कर की तरफ से बहुत ही अच्छा पॉइंट मैसेज है जो ये देना चाहते हैं टू हिज बिलव्ड इन श्रीनगर इन द हिमालयस। तो एक मेडागास्कर में एक इंसान जो रहता है वो अपनी प्रेमिका को जो कि श्रीनगर में रहती है इंडिया के अंदर, उसको क्या बोलना चाह रहा है वो इन्होंने अपनी पोयम के थ्रू किया है, जिसमें इन्होंने मॉनसून वर्ड का यहाँ पर मॉनसून के ऊपर एम्फोसिस किया है। साहित्य अकेडमी जो है ये कब, ये इस्टेब्लिश कब हुई, तो ये 12 मार्च 1954 को इस्टेब्लिश होती है। इसका लोगो जो था वो सत्यजीत रे ने डिज़ाइन किया था, जो कि आपके बहुत बड़े नेम बोले जाते हैं इन इंडियन सिनेमा। सत्यजीत रे ने इसका लोगो जो है वो डिज़ाइन किया था साहित्य अकेडमी का, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके पता है कौन रहे, इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे साहित्य अकेडमी के, जो आपके पहले प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि PM जवाहरलाल नेहरू जी थे इसके, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहली बार साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला था, तो याद रखिएगा भगवान बुद्धा वाली जो बुक थी उसको मिला था बाय DD कौशंबी। इन विच ईयर, तो आंसर हो जाएगा इन 1956, 1954 में स्थापित हुई, 1956 में दिया, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन मराठी से हिंदी में किया गया, ये मराठी में बुक थी जिसका यहाँ पर ट्रांसलेशन वापस हिंदी में किया गया, भगवान बुद्ध बाय DD कौशंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आंसर करिए क्या होगा, द ऑथर डैश ट्रांसलेटेड हिंदी नोवेल Tomb of Sand is among 13 books long listed for the International Booker Prize.
इनमें से कौन सी जो आपकी ऑथर है उन्होंने इसका हिंदी नॉवल लिखा हुआ है, टूम ऑफ सैंड का हिंदी नॉवल लिखा हुआ है, लेकिन अब उसको चेंज करके ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उसको नाम दिया है टूम ऑफ सैंड। और पता है उसका हिंदी में नाम क्या था? ओरिजिनली जब वो नॉवल लिखा गया तो उसका नाम था रेत की समाधि। ठीक है, किसने लिखी थी रेत की समाधि? गीतांजलि श्री ने लिखी थी। गीतांजलि श्री ने लिखी थी रेत की समाधि, जिसका आगे नाम बदलकर क्या रख दिया गया? टूम ऑफ सैंड। इसका पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराया। अब ये बताओ इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया, यानी कि इसको इंग्लिश भाषा में लिखा गया और नाम दिया गया इसको टूम ऑफ सैंड। टूम का मतलब समाधि और सैंड तो आपको पता ही है रेत को कहते हैं। तो इसका जो यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया, दैट वॉज डन बाय डेजी रॉकवेल। ये किसने किया इंग्लिश ट्रांसलेशन? डेजी रॉकवेल ने। क्या होता है कि जो आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ना, उसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही बुक जा सकती है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही जा सकती है। तो अगर किसी और लैंग्वेज में भी लिखी होती तो पहले उसको ट्रांसलेट कराना पड़ता है और फिर आगे वो दिया जाता है। इसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अगर मान लीजिए ये जीतते हैं, जो कि यहाँ पर कितने का पड़ेगा, 50,000 GBP वाला जो है, ये आपका 50,000 का प्राइस जो है ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? स्प्लिट हो जाएगा बिटवीन गीतांजलि श्री एंड डेजी रॉकवेल, क्योंकि इंग्लिश में तो उन्होंने ही ट्रांसलेशन किया है। अगर वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं करती तो गीतांजलि वहाँ पर जा ही नहीं सकती थी, बिकॉज इंग्लिश मैंडेटरी है उधर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आंसर करिए क्या होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ लेट सॉली सरबजी, टाइटल सॉली सरबजी लाइफ एंड टाइम्स? दीपम चैटर्जी, अभिनव चंद्रचूड, अमिताभ कुमार और विकास कुमार झा। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? सॉली सरबजी जो किताब है वो किसने लिखी है, जो कि बायोग्राफी है सॉली सरबजी के ऊपर। सॉली सरबजी जो थे ये आपके एडवोकेट जर्नल रह चुके थे, सॉलिसिटर जर्नल रह चुके थे, तो इनके ऊपर जो ये बुक लिखी गई है वो यहाँ पर किसने लिखी है? वेरी नाइस, ऑलरेडी सब लोगों का यहाँ पर जो आंसर है ऑलमोस्ट सभी का यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रहे, बिल्कुल सही। अटॉर्नी जनरल आपका कौन से आर्टिकल में आता है तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो देखो अभिनव चंद्रचूड एकदम सही है कि अभिनव चंद्रचूड ने लिखी है सॉली सरबजी के ऊपर किताब। इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी पर लिखी? 92nd बर्थ एनिवर्सरी पर इन्होंने लिखी। ठीक है, अभिनव चंद्रचूड जो हैं ये खुद एक लॉयर हैं और ये एक लीगल स्कॉलर हैं अभिनव चंद्रचूड, और ये जो रिलीज़ की गई ये अप्रैल 2022 में रिलीज़ की गई। आपके जो सॉली सरबजी थे ये आपके कब से कब तक एजी यानी कि अटॉर्नी जर्नल रहे? बिल्कुल सही है, आर्टिकल नंबर 76 किससे रिलेटेड है? अटॉर्नी जर्नल से रिलेटेड है। अब ये कब से कब तक रहे? तो ये दो बार रहे, एक तो 1989 से लेकर 1990 तक रहे अटॉर्नी जर्नल, उसके बाद में फुल फ्लेजेडली ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में यानी कि 1998 से लेके 2004 तक ये क्या रहे यहां पर? सॉली सरबजी आपके अटॉर्नी जनरल रहे ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन लॉन्च्ड अ बुक टाइटल रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, ये किसने लिखी है? जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला, महेंद्रनाथ पांडे या फिर भूपेंद्र यादव? तो क्या हो जाएगा इधर आंसर? प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा लग रहा है यहाँ गले में ना कोई बैठा हुआ है और उसने ना गले के जो तार है ना वो तोड़ दिए हैं सारे और यहाँ पर फटा ढोल बना दिया है गले को। मुझे नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल भी ऐसे। वेरी नाइस, यहाँ पर सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। देखो कौन है आपके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर? मैंने आपको याद कराया था कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो सरकार को कुछ याद ही नहीं रहता, तो एम्प्लॉयमेंट और लेबर के लिए किसको लगाया हुआ है जो याद दिलाता रहे, यानी कि भूपेंद्र यादव। तो उन्होंने इस बुक को क्या किया? लॉन्च किया, जो कि आपके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। ये लिखी किसने है ये बुक? ये एक इंस्टीट्यूट ने लिखी है, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या होगा? बहुत अच्छे अक्षिता, एकदम सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वीवी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट जो है, वीवी गिरी जो आपका नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है उसने इसको लिखा है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ने इसको लिखा है। अच्छा, कौन से वी के तहत इसको पब्लिश किया गया?
कौन सा वीक चल रहा था जिसके तहत इसको पब्लिश किया गया ड्यूरिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक का पार्ट रहा, आइकॉनिक वीक का पार्ट रहा इसको पब्लिश करना, ठीक है। हेलो सोनाली, हाउ आर यू, काफ़ी दिन बाद आप यहाँ पर आए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव में जो आइकॉनिक वीक चलाया जा रहा है, कितने वीक्स तक ये आपका आइकॉनिक वीक चलेंगे, कितने वीक्स तक आपके आइकॉनिक वीक चलेंगे, तो याद रखिएगा 75 वीक्स तक। क्या मनाया जा रहा है? 75 वीक्स को आइकॉनिक वीक्स का दर्जा दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इधर सोनाली अभी देखते हैं, उसके ऊपर सोचती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिलीज इज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। यहाँ पर किसकी ये जो किताब है ऑटोबायोग्राफी है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, तो आंसर क्या होगा? अरूप रॉय चौधरी, अनिरुद्ध सूरी, रत्नाकर शेट्टी या फिर मिथिलेश तिवारी। वेरी नाइस, सुमित बोस का आंसर करेक्ट है, सुमित दास का आंसर करेक्ट है, शाउमित बोस हैं शायद, है ना। और मधु, अर्जुन, लोकेश, सुमित, सैम, अंकित, सलमान, अभिलाष, एरिन, सुवर्ण जैन, जिज्ञासिनी, आर के सिंह, ऋषि सिंह, निकिता। वेरी नाइस, ऐसे शंकर बहुत अच्छे, नैनी करेक्ट आंसर, अनूप, नेहा, एम डॉट बहुत अच्छे। एम डॉट का यार देखो मेरा नाम बोलना बनता है। शीतल का भी करेक्ट है, शीतल देखो तुम्हारा तो नाम मेरे साथ में मिलता है, तो तुम गलत भी कहोगी ना तो भी तुम सही हो, तुम दिन को रात कहोगी तो मैं रात कहूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो हु हैज़ रिलीज द ऑटोबायोग्राफी टाइटल ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI? वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCCI? हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ BCCI? जल्दी से बताओ BCCI के अभी प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ पर तो आंसर आप लोगों का एकदम सही है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, रत्नाकर शेट्टी जो है वो यहाँ पर क्या रहे थे, वो यहाँ पर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे BCCI के बोर्ड में। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि मेरा यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो इन्होंने पूरा यहाँ पर बताया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में थे। दूसरा, इस बुक को रिलीज़ किसने किया है, हु हैज़ रिलीज दिस बुक, यानी कि इसका अनावरण किसने किया है, तो याद रखिएगा शरद पवार ने किया है। किसने किया है? शरद पवार ने इसका अनावरण किया है, जो इससे पहले ICC आपका BCCI इन सभी के ये फॉर्मर क्या रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑफ MCA एंड BCCI एंड ICC, ठीक है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के भी, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के भी रह चुके हैं एंड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी रह चुके हैं। शरद पवार ने इसको रिलीज़ किया है अभी फ़िलहाल में, प्रेसिडेंट एकदम सही आंसर कर रहे हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट हेयर? जे शाह, बिल्कुल सही, जे शाह क्या है, प्रेसिडेंट है, बिल्कुल। यहाँ पर उनको एशियन बोर्ड क्रिकेट प्रेसिडेंट भी बनाया गया है। और इसी के साथ में अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि सौरभ गांगुली किस पोस्ट पर हैं, अगर आप बोल रहे हैं यहाँ पर BCCI के प्रेसिडेंट कौन हैं, जय शाह हैं, तो सौरभ गांगुली किस पोस्ट पर हैं, आंसर करिए ज़रा क्या होगा, ठीक है, क्या होगा इधर आंसर, सौरभ गांगुली किस पोस्ट पर है। और 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है तब तक इंडिया के हेड कोच कौन बनाए गए हैं, इंडिया के हेड कोच कौन बनाए गए हैं, बहुत अच्छे। अब जिन लोगों ने यहाँ पर करेक्ट आंसर किया है, BCCI का सेक्रेटरी यानी कि सचिव हैं आपके जय शाह, लेकिन प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गांगुली। तुम्हें भी याद दिलाना पड़ता है कि भैया सौरव गांगुली को तो भूल ही गए हो, BCCI जय शाह शुरू कर दिया तुमने। हेड कोच होंगे इधर कौन, तो याद रखिएगा हेड कोच हैं आपके राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो है 2023 तक जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए ये हेड कोच यहाँ पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका इधर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तम। देखो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ना, ये जो बायोग्राफी है उषा उत्तम की, ये पहले भी एक पर्सन ने लिखी हुई है। नाम क्या है? विकास कुमार झा ने ये लिखी। इसका नाम क्या था? हिंदी में लिखी ये किताब, नाम दिया इसको उल्लास की नाव। क्या नाम दिया? उल्लास की नाव। फिर इनकी आती है बेटी, जिनका नाम क्या है? सृष्टि झा। ज़्यादा कुछ करती नहीं है, बस पापा की बुक उठाती है और इंग्लिश में उसका कर देती है ट्रांसलेशन, है ना। तो हमें तो अपने पेरेंट्स की चीज़ों के ऊपर अपनी इतनी प्रॉपर्टी समझ में आती है, हम ऐसा समझते हैं कि वो तो हमारी
उस पर तो हमारा ही हक है। तो हक समझ के इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बुक निकाल दी वापस से, क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप। इसको रिलीज किसने किया, तो इसका अनावरण करने खुद उषा उथुप आई थी, उनके साथ में उषा उथुप से ही क्या करवाया है, इसका अनावरण करवाया है किसने, सृष्टि झा ने। तो लड़की निकली तेज, पापा की बुक के ऊपर खुद लिख गई यहाँ पर, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दोबारा से फिर किताब छपवा दी। नेक्स्ट यहाँ पर द ब्लू बुक आर राइटर्स जर्नल इज रिटन बाय विच ऑथर, ये किसने लिखी है, ये एक राइटर हैं, इन्होंने अपनी एक डायरी बनाई हुई थी लॉकडाउन के टाइम पर, सब कुछ लिखे जा रहे थे जो भी इनके आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही थी वो सारी डायरी में लिख दी और फिर उसको बुक बना के छाप दिया। तो अब मतलब सब कुछ हो रहा है इधर। अरे पापा की परी थोड़ी जरूरी है, पापा की परी है, उसने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया तो ना। तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मा अगर लिखते हैं कोई बुक, बताओ तुम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दोगे, बोलो पहले तुम शर्त लगाओ कि तुम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दोगे। अगर तुम बोलते हो मैम बिल्कुल, और साउथ इंडियंस को नहीं बोल रही मैं, नॉर्थ इंडियंस को बोल रही हूँ, साउथ इंडियंस तो कहने मैम इंग्लिश में ही लिखेंगे हम, तो नॉर्थ इंडियंस तुम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दो, मैं उसको पापा की परी बुला दूंगी, ठीक है। एम डॉट का अलग चल रहा है, कोई मतलब नहीं क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा उसकी प्रैक्टिस हो गई, गूगल ट्रांसलेशन से करनी है। अरे तो ऐसे थोड़ी बुक लिखी जाती है, गूगल है ना, ऐसे थोड़ी बुक लिखी जाती है। वैसे यार ये बात सच है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ कुमार जिन्होंने ये लिखी है। इसमें ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस यही याद रख लेना इनका तो किसी ने बुक ऐसे सच आके रिलीज भी नहीं करवाई है, बोल रहे थे अपने आप जाओ राइटर हो ना जाओ कर दो बुक रिलीज, ठीक है। तो ब्लू बुक नाम से इन्होंने रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया कि ये जो बुक है ये बुक नहीं है, ये आपकी सुपर सिलेक्शन सेल है। तो 25 से लेके 22 से लेके 25 अप्रैल तक आपका 30% ऑफ चल रहा है सारे बैंकिंग सब्सक्रिप्शन पर, और 3 महीना ऑल अबाउट फ्री दे रहा है। हमें आदत है फ्री में देने की, हम कह रहे हैं यार सिलेक्शन ले लो, तुम भले ही वैलिडिटी एक्स्ट्रा ले लो, 3 महीने एक्स्ट्रा पढ़ लो हमसे, उतने ही प्राइस में 3 महीने एक्स्ट्रा तुमको फ्री दे रहे हैं। तो अब मान लो तुमने 9 मंथ्स की वैलिडिटी ली, तो तुम्हें 1 साल तक की वैलिडिटी मिल रही है 9 मंथ के प्राइस में ही, और 9 मंथ के प्राइस पर भी 30% ऑफ है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या है ऑफर, तो बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, ले लो इसको। बैंकिंग सुपर इलीट प्लान डेली मैं बोलती हूँ उसको ज़रूर लेना, मैं रेकमेंड करती हूँ सभी बच्चों को, किफ़ायती है अफोर्डेबल है, सारे नए बैचेस उसमें आते हैं। अगर नए बैचेस उसमें नहीं जाते होते तो मैं तुम्हें कहती कि भाई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स जो होते हैं उसके जो नए बैचेस है उसके अंदर जाते हैं सारे के सारे। प्लस आपको 2000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, जीके टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं। हाँ कोड ज़रूर शीतल यूज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कोई भी कोर्स परचेज करना है तो, लेकिन कोड एक ही रहना चाहिए शीतल कोड SHEETL। अब स्मॉल लेटर में लिखो कैपिटल में लेटर में लिखो वो भाई तुम्हारी मर्जी है, लेकिन शीतल कोड लगाना ये ज़रूरी है वरना फिर चीटिंग हो जाएगी, ठीक है। सुपर प्रैक्टिस बैच जो है ESICUDC मेंस का, और इसमें तो भैया सब तैयारी मैं ही करा रही हूँ, तुम्हारे GA का जो करता धरता है वो मैं ही हूँ, और बहुत एफर्ट डाल रही हूँ मैं, सच में लिटरली बहुत एफर्ट डाल रही हूँ। मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स को पता होगा कि बहुत सारी कोशिश मैं कर रही हूँ कि बेस्ट इन क्लास आपको ये GA सेक्शन में बेस्ट इन क्लास नोट्स मिले, क्लासेस मिले, और सारी चीज़ों का कवरेज करा के चल रही हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ उसमें इंक्लूड किया है ऑलमोस्ट। बैंकिंग सुपर इलीट प्लान में ये इंक्लूडेड है, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज भी कराया है, करंट अफेयर्स MCQ वाइज भी हो रहा है, मंथली भी हो रहा है, तो और एक दिन में 2-2 क्लासेस चल रही हैं, तो मज़ा आएगा अगर आप ज्वाइन करेंगे, मज़ा आएगा। अगर प्लान कर रहे हैं ज्वाइन करने का तो ज्वाइन कर लो। RBI असिस्टेंट मेंस का भी आपका सुपर प्रैक्टिस बैच आ चुका है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है RBI असिस्टेंट के मेंस में, 1 हफ्ते बाद है वो आपके UDC मेंस के, जस्ट 1 हफ्ते बाद है, तो इसके लिए भी प्लान कर सकते हैं। और ये भी आपका बैंकिंग सुपर इलीट प्लान में इंक्लूडेड है जैसे आपका UDC का है, तो क्यों ना इस बैंकिंग सुपर इलीट प्लान को ले डालो, और 45% ऑफ मिलेगा शीतल कोड पर। लेते वक्त वहाँ पर ना एक हैवा कूपन कोड करके आता है, उस पर क्लिक करिएगा और परचेज कर लीजिएगा, कूपन कोड में लिखिएगा SHEETL। नेक्स्ट है यहाँ पर नेम द ऑथर ऑफ द बुक उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ऑप्शन है आपके अनूप जलोटा, AD मानिक, मिथिलेश तिवारी या फिर अरुणा दुखांडे, क्या हो जाएगा आंसर। हैवा
हाँ उसके देखो आपको थोड़े बहुत वहाँ पर वो लगेंगे आपको कि कॉस्टली लगेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, आपको लगेगा कि ये थोड़े से ज़्यादा महंगे देते हैं, या लगेगा आपको देखो ऑफर्स में लेते हो तो इतना महंगा नहीं है, लेकिन जब आप इसको परचेज़ करोगे तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि क्वालिटी बहुत अच्छी है और टीचर्स जो इनपुट डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इनपुट डाल रहे हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आदित्य सर हैं, चाहे हर्षिता मैम हैं, विवेक सर हैं, सुष्मिता मैम हैं, कोई भी आप फैकल्टी उठा लीजिए ऑलिव बोर्ड पर, बेस्ट इन क्लास वहाँ पर कंटेंट देते हैं, ठीक है। और ये आप वही है ना, मेलेडी खाओ और खुद जान जाओ, तो ये तब तक आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप एनरोल नहीं करेंगे, तो कुछ भी छोटा मोटा लेके देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। और काफ़ी सिलेक्शन देते हैं, अभी SBI PO में ऑली बोर्ड के स्टूडेंट्स 600 बच्चे सिलेक्ट हुए, 600 बच्चों का रिजल्ट इधर से गया है, ठीक है। तो SBI PO में इतना सिलेक्शन गया है जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर मिथिलेश तिवारी। अरे ऐसे ही मैं यहाँ पर देती रहती हूँ, ज्ञान बांटती रहती हूँ, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, तो जब तक लोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भाई कोर्स कैसे है, पहले एक बार कोर्स लेना तो पड़ेगा। अनूप जलोड़ा और AD मानक जो हैं उन्होंने इस बुक को क्या किया है, रिलीज़ किया है, उसका अनावरण किया है, जिसको मिथिलेश तिवारी ने लिखा है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। इसमें और ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वन लाइफ, ठीक है। ये कुछ कुछ वो द मॉन्क हु सोल्ड इज फरारी वाला कॉन्सेप्ट है इनका भी, वो आपने पढ़ी है, किसकी है वो, रॉबिन शर्मा की है द मॉन्क हु सोल्ड इज फरारी। मैं तो पूरी पढ़ी नहीं पाई, आधी में ही रह गया, आज तक नहीं कंप्लीट हो पाई है वो। मैंने आज तक सिर्फ एक बुक है जो पूरी कंप्लीट किया है, वरना सबके मैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ के बीच में छोड़ देती हूँ। वो एक बुक है ऑल केमिस्ट, उसमें भी पता नहीं मुझे क्या कीड़ा लगा था, मैंने 3 दिन के अंदर वो बुक ख़त्म कर दी थी, रात भर पढ़ पढ़ के बिल्कुल एकदम लाइट में ऐसे चुपचाप लगी हुई हूँ, पढ़े जा रही हूँ। वैसे इतनी ज़्यादा भारी किताब भी नहीं है वो, बहुत ही पतली सी है, बट हाँ फरारी वाली भी तो उससे भी पतली है, फिर भी नहीं पढ़ी गई, पता नहीं क्यों। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, हाँ सही बात है, पढ़े या तैयारी करे एक ही बात है, यहाँ पर अपनी पढ़ाई की बुक से पढ़ ले वही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। वेरी नाइस, यहाँ पर नेहा का आंसर करेक्ट है, इधर ऋषि का आंसर करेक्ट है, सुमित दास, जिज्ञासिनी, आर्यन, आदित्य, अभिषेक तिवारी, श्रावणी, ऋषि कुमार, सैम, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, एरियन, प्रमोद, मानस, सभी का आंसर करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा इधर दीपम चैटर्जी। अब मेरा दिल ऐसे ही कर गया कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ। पहला, पिछले क्वेश्चंस में से पूछ रही हूँ, पिछले जो बुक्स एंड ऑथर्स कराए हैं, मुझे ये बताओ ब्लू बुक किसने लिखी है, ब्लू बुक आर राइटर्स जर्नल बुक किसने लिखी है, जल्दी से आंसर करो क्या होगा। अच्छा आपने भी पढ़ी है, अक्षय ने पढ़ी है, अनूप और अभिषेक तिवारी ने पढ़ी है, वेरी नाइस। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा अमिताभ कुमार, क्या हो जाएगा आंसर, अमिताभ कुमार हो जाएगा। अच्छा ये बताओ लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है, लिटिल बुक ऑफ जॉय, दो हैं, एक आर्ची बाइशप हैं और एक नोबेल प्राइज विनर है, वेरी नाइस, दलाई लामा एंड देशमोन टूटू, एंड देशमोन टूटू। एक और पूछती हूँ तुमसे लास्ट, ये बताओ मुझे टूम ऑफ सैंड बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन करके टूम ऑफ सैंड बुक किसने ट्रांसलेट की है, टूम ऑफ सैंड बुक किसने ट्रांसलेट की है और रेत की समाधि किसने लिखी है। तो ये लिखी तो ऑथर तो टूम ऑफ सैंड की भी वही है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेटर कौन है, डेजी रॉकवेल, वेरी नाइस, कौन सी है, डेजी रॉकवेल। बेटा मैंने तुमसे ना ये पूछा था कि ट्रांसलेटर कौन है, ये नहीं पूछा तुमसे कि लेखक कौन है, लेखक आपको पता है गीतांजलि श्री है, किसकी लेखक है, रेत की समाधि, लेकिन उन्होंने तो लिख दी वो बुक, अब आगे ट्रांसलेट करके छपवाई किसने, डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट करके दी है, तभी तो आगे छपवाई है, और ये इंडिया की तरफ से कहाँ गई हुई है, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज के नॉमिनेशंस में गई हुई है। नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशन, तो आंसर इधर क्या हो जाएगा, अमिताभ घोष, हर्द मधुसूदन,
सुदान, हर्ष मधुसूदान, अनिरुद्ध सूरी या फिर अमार्त्या सेन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध सूरी जो है उन्होंने ये क्या लिखी है किताब, द ग्रेट टेक गेम, जहाँ पर जियोपॉलिटिक्स और नेशंस जो है उनकी डेस्टिनीज बदलती रहती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर सी अनिरुद्ध सूरी। अमिताभ घोष जो बोल रहे हैं गलत होगा। अगर मैं आपसे कहूँ 2021 में एक बुक लिखी गई थी होम इन द वर्ल्ड नाम की, वो इनमें से किसने लिखी, तो आंसर क्या होगा। और 2022 में भी इन्होंने ही एक बुक लिखी है, आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर्त्या सेन, जिन्होंने 2021 में होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक लिखी। इन द ईयर 2022 अमर्त्या सेन रॉट विच बुक, इन 2022 अमर्त्या सेन रॉट विच बुक, क्या हो जाएगा आंसर, अमर्त्या सेन ने 2022 में कौन सी बुक लिखी है, एनी आइडिया, आगे आने वाला है वो क्वेश्चन। इकोनॉमिक प्राइज विनर है, अच्छा इकोनॉमिक प्राइज विनर है, ये बता रहा कौन से ईयर में मिला उनको नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इन विच ईयर अमर्त्या सेन गॉट नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। बोल रहे 2021 में होम इन द वर्ल्ड लिखा है, 2022 में होम इन द यूनिवर्स लिखा है, कमाल हो तुम, ये लिख के आना एक बार उधर, फिर बदले में ना जो तुम्हारी आंसर शीट या जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना उसमें तुम्हारे नाम के आगे ना बहुत सारी हैशटैग स्टार मार्क बीप 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 होगा उधर, फिर उनकी तरफ से आएगा ये, तुम ये लिख के आना एक बार उधर। वेरी नाइस, इन 1998 कब मिला इनको अमर्त्या सेन को, 1998, और ये जीतने वाले ये पहले आपके इकोनॉमिस्ट थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट, पहले भारतीय अर्थशास्त्री रहे जिन्हें इकोनॉमिक्स के अंदर क्या मिला, नोबल प्राइज़ मिला 1998 में। नोबल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में पहली बार कब दिया जाने लगा, तो 1968 में दिया जाने लगा, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बाकी सब चीज़ों में ये आपका दिया जाने लगा था 1901 में, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको इंट्रोड्यूस किया 1968 में। ठीक है, अभी यहाँ पर अमर्त्या सेन ने 2022 में कौन सी बुक लिखी है, तो याद रखिएगा अराउंड द वर्ल्ड इन 50 शॉर्ट्स, अराउंड द वर्ल्ड इन 50 शॉर्ट्स नाम की किताब लिखी है। यहाँ पर क्या है, ये एक ट्रैवल स्टोरी है जो अमर्त्या सेन ने यहाँ पर वो डिपिक्ट किया है। ठीक है, याद रहेगा, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इधर क्या हो जाएगा। Who among the following has authored the book titled The Founders, The Story of PayPal and Entrepreneurs Who Shaped Silicon Valley? ऑप्शन है यहाँ पर किरण बेदी, आकाश कंसल, जे साई दीपक या फिर जिमी सोनी। ये दोनों आपको अच्छे से पता होंगे, किरण बेदी ने कौन सी बुक लिखी है जल्दी से बताओ एक बार, मैंने तुम लोगों को पढ़ा रखा है। बिल्कुल सही है, डॉक्टर स्ट्रेंज का आंसर करेक्ट है। अंकित, इरेन, राम, लोकेश, मानस, सौमित, गोमेथ्या, शुभम अग्रवाल का आंसर करेक्ट है। आकाश सिंह, अनूप, अर्जुन, अभिलाष, सलमान, जिज्ञासिनी, नैनी, सभी का आंसर इधर करेक्ट आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जिमी सैनी ने ये बुक लिखी है द फाउंडर्स ऑफ पेपाल, से याद रख लेना, पेपाल के जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने सिलिकॉन वैली को शेप किया वो लिखी है जिमी सोनी ने, लेकिन किरण बेदी ने लिखी है फियरलेस गवर्नेंस। क्या लिखी है, फियरलेस गवर्नेंस। और यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं जे साई दीपक, ये बहुत ही ज़बरदस्त लेवल के लॉयर एडवोकेट हैं, और इन्होंने एक बुक जो लिखी है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही। क्या नाम होगा उस बुक का, उसका नाम क्या है, भारत, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जे साई दीपक ने लिखी है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉलोनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर वाज वन मोर वर्ड, मैं खुद भूल गई, वो तीसरा वर्ड मैं खुद भूल गई, हाँ ट्रिपल सी है इसके अंदर, तो उसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉलोनिटी एंड देयर इज़ वन मोर, किसी को थोड़ा बहुत याद आ रहा है, सिविलाइजेशन, राइट राइट राइट, सिविलाइजेशन भी यहाँ पर
इसके साथ में है, ठीक है। इसको देख लेना फिर भी एक बार तुम लोग कि उस हिसाब से इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है। हाँ, अमित कंसल का यहाँ पर, आकाश कंसल ने कौन सी बुक लिखी है कोई बता सकता है यहाँ पर? आकाश कंसल जो है उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द क्लास ऑफ 2006, यानी कि 2006 की जो बैच होते हैं ना, क्लास होते हैं हमारे, स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, मिस एडवेंचर्स जो इनकी इंजीनियर लाइफ के रहे उसके ऊपर आकाश कंसल ने लिखा है कि 2006 की क्लास का हूँ मैं, और इंजीनियर लाइफ का जितने भी मिस एडवेंचर्स रहे वो इन्होंने इस बुक के अंदर लिखे हैं, और ये तो हर इंजीनियर के लाइफ में होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा। अ बुक टाइटल्ड अ नेशन टू प्रोटेक्ट हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है? कोविड 19 के ऊपर लिखी गई है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं कोविड 19 को इंडिया के अंदर रोकने के लिए, कम करने के लिए, तो बेसिकली यहाँ पर पूरा वाहवाही और गुणगान किया गया है नरेंद्र मोदी जी का। तो अब जैसे कि मैंने शीतल को बोला हुआ है, क्योंकि हम दोनों का नाम शीतल है, तो अब शीतल कुछ भी बोले, वो बोले कि एम डॉट लड़की है तो मैं मान लूँगी, वो बोले इधर कि सुमित लड़की है मैं मान लूँगी, मतलब वो जो बोलेंगी मैं मान लूँगी। ऐसे ही यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर गुणगान किसने लिखा है कि ये जो बोलेंगे वो बात सच है, नेशन टू प्रोटेक्ट बिल्कुल सच है, इन्होंने नेशन को प्रोटेक्ट किया है। किसने लिखा है? प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है, ठीक है। प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है इस बुक को, तो याद रखिएगा। किसने लॉन्च की? तो जाहिर सी बात है, नेशन टू प्रोटेक्ट बात हो रही है हेल्थ से रिलेटेड, तो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको रिलीज़ किया, इसका अनावरण किया। कौन है हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर? नाम क्या हो जाएगा उनका? तो उनका नाम हो जाएगा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो है वो है मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया। मैंने बोला तो अगर ऐसा शीतल कहेगी तो, शीतल ने ऐसा कहा नहीं है अभी, कहेगी तो मैं मान लूँगी। एम डॉट का तो मैं बिल्कुल मान लूँगी, एम डॉट के लिए तो तुम भी कुछ कहोगे ना मैं मान लूँगी। मुझे समझ में नहीं आता एम डॉट कहाँ से निकल के आए। मैं कह रही हूँ अगर मेरे को पता है सच में कि मैं खुद नहीं जानती एम डॉट कौन है, वरना कोई दूसरा बंदा देखेगा ना तो उसको ये लगेगा कि मैम ने ना किसी बच्चे को पैसे दे रखे हैं कि मैम की तारीफ़ें करने के लिए या इतने कमेंट्स करने के लिए, जबकि मैं जानती हूँ मुझे पता भी नहीं है हु इज़ एम डॉट और ये चल क्या रहा है, और एम डॉट मैं जानना चाहती हूँ ऐसा कर कैसे पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट इतना कर सकता है यार, हिम्मत ही नहीं होती है। मैं अपने आप से देखूँ इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती है, हिम्मत मतलब कि इतने एफर्ट्स कोई नहीं ले सकता कि इतने सारे लगातार डाले जा रहे हैं कमेंट्स, फिर चैट बॉक्स में भी लिखे जा रहे हैं, और वो भी तब जब उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो एक टाइम के बाद में इंसान इग्नोर कर देता है ना चीज़ें, एक टाइम के बाद लगता है कि यार चल वेस्ट है ये, तो कुछ यहाँ पर हो नहीं। वो तो मुझे सौरभ जी पता लग गया, और पता है वो मिश्रा भी लिखते हैं एम डॉट ना, मिश्रा भी लिखती है, मिश्रा के नाम से भी आते हैं, तो मैं ये भी नहीं गैस कर सकती कि सौरभ मिश्रा कहीं एम डॉट थी तो नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने पता किया है एक बार, फिर तीन या चार आईडी हैं शायद एम डॉट की अलग अलग नाम से, वो तो आप उनके ना बिहेवियर पैटर्न से समझ जाते हैं दैट इज़ एम डॉट। क्लास में कितनी बार हुआ है अलग नाम से आए हैं ना, सब समझ गए मैम ये वही है एम डॉट ही है, क्योंकि बिहेवियर ही इस टाइप का है। चलो अब यहाँ पर आंसर करो क्या होगा। चलो काफ़ी हमने पब्लिसिटी कर दिया एम डॉट की, एम डॉट सोच रहे होंगे यार इसीलिए तो इतने मैसेजेस करता हूँ मैं, मेरा नाम तो बोल दे मैम। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपके रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, उनका जो पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन रहा अबाउट अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, जयंता घोषाल, धीरेंद्र झा, चंद्रचूर घोष या फिर उमादास गुप्ता, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, जयंता घोषाल ने आपका एक बार पहले भी, जयंता घोषाल ने एक बुक रिलीज़ किया है, उसका नाम क्या होगा फटाफट से बताइए, जनवरी में इन्होंने किया था, जल्दी से आंसर करो क्या होगा। एक यहाँ पर एक हैशटैग शर्मा जी और आए हैं, उन्होंने भर दिया है पूरे यहाँ पर मैसेजेस को, क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही है, ममता बियॉन्ड 2021 जो है वो किसने लिखा? जयंता घोषाल ने लिखी है।
5 जनवरी को, जिस दिन ममता दीदी का बर्थडे होता है, उसी दिन ममता बियॉन्ड 2021 उन्होंने लिखी। ठीक है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, जिसे नहीं पता उसको बता दूँ, बाकियों को तो आई थिंक काफ़ी तेज़ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उमा दास गुप्ता, जो है उन्होंने यहाँ पर क्या लिखी है, आपकी बुक लिखी है। अब आपसे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि सॉली सरब जी के ऊपर, सॉली सरब जी की 92nd एनिवर्सरी पर किसने लिखी सॉली सरब जी नाम की जो ऑटोबायोग्राफी है, वो किसने लिखी, जो कि सॉली सरब जी आपके फॉर्मर अटॉर्नी जनरल भी रहे इंडिया के, वो किसने लिखी है, आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। लेट मी चेक, बिल्कुल सही सुमित बोस, एकदम सही है, डॉक्टर स्ट्रेंज आंसर एकदम करेक्ट है। अविनाश कह रहे हैं कि मैम हमने नाम ही नहीं सुना है, तो तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, खिलाड़ी हो यार तुम, तो तुम्हारी ज़िंदगी तो सेट है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव चंद्रचूड़। पता है मेरे को कैसे याद आया, यहाँ मैंने चंद्रचूर घोष देखा, मुझे अभिनव चंद्रचूड़ का याद आया, तो मैंने सोचा चलो पूछ लिया जाए तुम लोगों से, कितने लोगों को याद है, मेरी तरह तुम लोग भी याद रखते हो कि नहीं। अच्छा, पापा की परी ने कौन सी बुक लिखी, जल्दी बताना, सृष्टि झा। अब तुम इतना बोल ही रहे थे तो मैंने पापा की परी नाम दे ही दिया सृष्टि को, अब तुमने बोला कि तुम तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लोगे गूगल ट्रांसलेट से, तो सृष्टि झा ने कौन सी बुक लिखी, अभी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, पापा की बुक को उठा के छाप दिया इंग्लिश में, नाम क्या दिया उसको, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। देखो हाई फाई नाम तो देंगी ही, इंग्लिश में लिख रही है तो थोड़ा पॉप वॉप क्वीन वगैरह तो आएगा ही आएगा। द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप, उषा उत्थुप के ऊपर है ये ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इनके पापा ने कौन सी लिखी थी किताब, इनके पापा की किताब देखो, सरल, मुंह से बोल रही है मैं सरल हूँ, और इनकी किताब वॉनबी अटेंशन सीकर ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप। बेटा पापा से सीखो, चलनी होगी चल जाएगी, नहीं चलनी होगी कितना भी वहाँ पर ऑथराइज्ड लिख लो, जेन्युइन लिख लो, ओरिजिनल लिख दो, नहीं चलेगी। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, विकास कुमार झा जो है उन्होंने उल्लास की नाम लिखी। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, राहुल रवेल ने लिखा है, चंद्रचूर घोष ने लिखा है, वीएल इंदिरा दत्त ने लिखा है, या आरओ खन्ना ने लिखा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आरओ खन्ना। ठीक है, तो इन्होंने लिखी है डिग्निटी इन डिजिटल वर्ल्ड, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, उसमें जो डिग्निटी देख रहे हैं जहाँ पर टेक्निकल वर्क हमें बनाए रखे हुए हैं। राहुल रवेल ने कौन सी लिखी, ये एक फिल्म मेकर है राहुल रवेल, इन्होंने कौन सी बुक लिखी, तो याद रखिएगा आर के राज कपूर से रिलेटेड इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, आंसर करो जल्दी से, राहुल रवेल ने कौन सी लिखी थी, शीतक शीतक कौन सी बुक है, भाई मेरा नाम मत बिगाड़ो तुम लोग, आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, तो यहाँ पर आपको बताना है हु हैज ऑथर्ड द बुक ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, किसने लिखी है ये, रोनाल्ड डाल ने लिखी है, जी के रोलिंग ने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, या फिर सैमुअल मॉयन ने लिखी है, तो आंसर इधर क्या हो जाएगा, ह्यूमेन नाम की, जाहिर सी बात है कि ये जी के रोलिंग ने तो बिल्कुल भी नहीं लिखी है। इधर बचे यहाँ पर आपके रस्किन बॉन्ड, उन्होंने भी नहीं लिखी है, अब बचे रोनाल्ड और सैमुअल, तो याद रखना सैमुअल मॉयन जो है उन्होंने ये बुक लिखी है इधर। ओरिजिनल इसको पब्लिश किया गया था सेप्टेम्बर 2021 में, लेकिन इसको इंडिया के अंदर बाकी 17 फरवरी 2022 को प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये इनमें से किसने लिखी है, तो ये वही हैं जो आपके फोर्थ रिचेस्ट पर्सन हैं इन द वर्ल्ड, जिनका जो कंपनी है जिसके ये फाउंडर हैं दैट इज माइक्रोसॉफ्ट, आंसर क्या हो जाएगा, बिल गेट्स ने लिखी है ये। ठीक है, वॉरेन बफेट जो है ये फिफ्थ रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है अकॉर्डिंग टू इट्स नेटवर्थ, जबकि सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कौन से हैं इन द वर्ल्ड, दैट इज़ एलन मस्क, जिनकी 205 बिलियन $ की नेटवर्थ है। नेक्स्ट आंसर करिए क्या होगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स, आर सी गंजू, राजीव भाटिया, रोहन जे आलवा, या फिर अश्विनी भटनागर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ये फेबररी 2022 में ये बुक लिखी गई है, और जितने भी करंट अफेयर्स आपके फेबररी और मार्च के हैं इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले करना मार्च के करंट अफेयर्स, फिर आपको करने हैं फेब के करंट अफेयर्स, देन आप करना यहाँ पर अप्रैल और जनवरी के। पहले जनवरी कर लेना फिर अप्रैल कर लेना, ठीक है। किसने लिखी है? राजीव भाटिया ने लिखी है। अब आपसे क्वेश्चन ये, आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने मिलकर कौन सी बुक लिखी है जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से 22 टेररिस्ट को मारने की है, जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो 22 टेररिस्ट थे उसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने मार गिराया, और उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन खात्मा। तो बुक का नाम भी यही है, ऑपरेशन खात्मा, जो उससे रिलेटेड है, जेएनके के अंदर आतंकवादियों को मारने से रिलेटेड है। ये को ऑथर किया है आरसी गंजू एंड अश्विनी भटनागर ने। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर टाइटल अटल बिहारी वाजपेयी ने के नाम से जो यहाँ पर लिखी गई है बुक, उसके राइटर कौन है? तो आंसर करिए क्या होगा, सोनिया अरोड़ा, सागरिका घोष, टिम्सी शर्मा या फिर भावना मित्तल। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? ये किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, ये लिखी है आपकी सागरिका घोष ने। इसके अलावा सागरिका घोष ने इंदिरा मोस्ट पावरफुल, इन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर भी इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बुक भी लिखी है। मोस्ट पावरफुल पीएम लिख देती हूँ मैं खाली, ये बुक भी इन्होंने ही लिखी है, सागरिका घोष ने। तो याद रखिएगा यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी रिलेटेड कौन सी होगी, वो बुक भी लिखी है सागरिका घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑन नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इनके ऊपर किसने इनकी जीवनी लिखी है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नवदीप सिंह गिल जो है उन्होंने नीरज चोपड़ा, जो कि आपके ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीतने वाले यहाँ पर इस बार टोक्यो ओलंपिक में पहले ऐसे सिर्फ इकलौते इंडियन ऐसे रहे जो गोल्ड लेके आए इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए ये ओलंपिक्स में इकलौता गोल्ड लेके आए इन ओलंपिक्स 2020 इन जैवलिन थ्रो। इनके ऊपर ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। नेक्स्ट है आपका अथर्वा, द ऑरिजिन इन विच क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी वॉज पोर्ट्रेड एज द सुपर हीरो अथर्वा। ये एक सीरीज निकाली गई है, ग्राफिक नोवेल है, जिसमें ना एक सुपर हीरो कैरेक्टर है जिसका नाम है अथर्वा। उस अथर्वा का जो रोल है वो किसको दिया गया है? वो कैरेक्टर जो है वो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। उसके टाइप का दिखने वाला वो सुपर हीरो होगा जो महेंद्र सिंह धोनी जैसा दिखेगा, जिसको नाम मिला है अथर्वा। ये किसने लिखी है? सारनाथ बैनर्जी, रमेश शैमिक या फिर अशोक बंकर। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, अभिषेक तिवारी, सुमित बोस, सौर्य सत्यम, अभिलाष, ऋषि सिंह, नैनी, डॉक्टर स्ट्रेंज, सभी का आंसर करेक्ट है यहाँ पर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, रमेश तमिलमानी जो है उन्होंने यहाँ पर इसके ऑथर रहे हैं, और जिनके यहाँ पर अथर्वा जो सुपर हीरो कैरेक्टर है वो MS धोनी को डेडिकेट किया गया है। नाउ नेक्स्ट बुक इज द ऑथर ऑफ ट्रायोलॉजी बुक सीरीज टाइटल इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आपको पता है कौन है वो प्रोमिनेंट एडवोकेट है, नाम क्या है उनका? जे साई दीपक है। अच्छा, अब यहाँ पर राहुल रवेल का किसी ने मुझे नहीं बताया था कि राहुल रवेल जो है उन्होंने कौन सी बुक लिखी है। ये राहुल रवेल आपके RK स्टूडियोज में भी फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर रह चुके हैं, और इन्होंने जो अभी रिसेंटली किताब लिखी है उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा राज कपूर द मास्टर एट वर्क। राज कपूर द मास्टर एट वर्क। वैसे इन सब की किताबें लोग पढ़ते होंगे, तुमको क्या लगता है? यहाँ पर इन लोगों की किताबें पढ़ी जाती होंगी। नेक्स्ट इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर सीजन स्टाइल बुक टाइटल द क्लास ऑफ 2006, स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द इंडियन ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। ठीक है, अब आंसर करिए क्या होगा। हर इंजीनियर का इन्होंने क्या दिखाया हुआ है उसमें? एसेंस दिखाया हुआ है। किसने लिखा है? आकाश कंसल ने। किसने लिखा है? आकाश कंसल ने। अब मुझे यहाँ पर बता दो, जयंता घोषाल से रिलेटेड हमने कौन सी पढ़ी? कि जयंता घोषाल से रिलेटेड 5 जनवरी 2022 को जयंता घोषाल ने कौन सी रिलीज़ की थी बुक? ममता बियॉन्ड 2021, है ना। चंद्रचूर घोष ने कौन सी लिखी है? विच बुक हैज़ बिन रिलीज्ड बाय चंद्रचूर घोष। और इसको ना अभिनव चंद्रचूर से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना खुद को। इन्होंने लिखी है द बॉस, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेंशनिस्ट नेशनलिस्ट। ठीक है, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट।
ये इन्होंने लिखी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ऑपरेशन खात्मा। इन दोनों में से यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से ऑपरेशन खात्मा बुक के यहाँ पर ऑथर कौन है, आर सी गंजू, अश्विनी भटनागर, किरण बेदी या फिर बोथ ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा आंसर, इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि आर सी गंजू एंड अश्विनी भटनागर दोनों ने मिलकर रखी ऑपरेशन खात्मा बुक जो है उसके ऑथर रहे ये, और इसको इन्होंने रिलीज किया। अब आपको यहाँ पर कोड यूज़ करना है शीतल कोड फॉर सुपर सिलेक्शन सेल जो 22 से लेकर 25 अप्रैल यानी कि आज कल और परसों इसका लास्ट डे है 25 अप्रैल को। यहाँ पर 30% ऑफ मिल रहा है सारे बैंकिंग सब्सक्रिप्शन पे, इसी के साथ में 50% ऑफ मिल रहा है सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्सेज पर। जितने भी बैंक और इंश्योरेंस के कोर्सेज है ना, चाहे आपका यहाँ पर यू नो आरबीआई असिस्टेंट का कोर्स हो, इन सारे कोर्सेज पर आपको क्या मिल रहा है, 50% ऑफ मिल रहा है बाय यूजिंग शीतल कोड। अदरवाइज बैंकिंग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो आपके 6 महीने 12 महीने की वैलिडिटी में आते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा 3 मंथ्स जो है फ्री दे रहे हैं हम। यानी कि अगर आप 6 महीने का कोर्स ले रहे हैं तो हम आपको 3 महीना फ्री दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर 9 महीने का कोर्स ले रहे हैं 9 मंथ की वैलिडिटी वाला, तो 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है आपको ऑलिव बोर्ड, और आपको 9 मंथ के प्राइस में ही 12 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और 9 मंथ के प्राइस पर भी 30% ऑफ है शीतल कोड के साथ में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सभी कोर्सेज का, जैसे कि UDC में सुपर प्रैक्टिस बैच है, ये बैंकिंग सुपर इलीट पैक में इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपका RBI असिस्टेंट में सुपर प्रैक्टिस बैच है, ये भी बैंकिंग सुपर इलीट पैक में इंक्लूडेड है। तो इसी को ले लीजिए एक बार, और कोड यूज़ करिएगा यहाँ पर शीतल कोड, और अभी आपको 3 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल रही है। नेक्स्ट है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बैचेस का, सभी कोर्सेज का, तो लिंक में जाइएगा, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएंगे। हैव अ कूपन कोड पे शीतल लिख देना, किसी में भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, बस SHEETAL आपको लिखना है और परचेज कर लेना, ठीक है, और फिर मेरे साथ में क्लासेस ज्वाइन कर लेना। UDC GA का जो कोर्स है वो पूरा का पूरा मैं करा रही हूँ। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर किरण बेदी है, उन्होंने लिखी है फियरलेस गवर्नेंस। नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपका UDC प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने, इंडियन ऑथर हैं जो रस्किन बॉन्ड, उन्होंने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज द कॉमिक बुक टाइटल इंडियाज वेमेन अनसंग हीरोज़। तो कौन सी मिनिस्ट्री जो है उसने यहाँ पर इसको रिलीज़ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिफेंस, होम अफेयर्स एंड कल्चर। कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि बुक है तो एजुकेशन होगा, नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अंडर कल्चर मिनिस्ट्री, नाम क्या है उनका, मीनाक्षी लेखी, उन्होंने इसको क्या किया है, रिलीज़ किया है। ये पूछ रहा है कि रिलीज़ किसने किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने, अनावरण किसने किया है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चरल मिनिस्टर की जो मीनाक्षी लेखी हैं उन्होंने इसमें किया है। यहाँ पर इंडिया की जो ऐसी फ्रीडम फाइटर्स रही हैं 75 फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर ये किताब है, जो ऐसी हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ऐसी 75 फीमेल्स की यहाँ पर स्टोरी है जो डिपिक्ट की गई है। नेक्स्ट इज, अनिल अचवावत वॉज द ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज। ये अनिल अवाचत जो है ये कौन सी भाषा के लेखक थे, तो आंसर क्या होगा, मराठी, गुजराती, तेलुगू या फिर मलयालम, क्या हो जाएगा आंसर। क्यों पूछा जा रहा है ऐसा, ऐसा तभी पूछा जाता है जब कोई किसी का देहांत हो जाता है। तो 78 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो गया ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत टाइम से ये बीमार चल रहे थे, इनका यहाँ पर क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड राइटर रहे हैं, फिजिशियन रहे हैं, जिनकी अभी मृत्यु हुई थी जनवरी 2022 में, इनकी मृत्यु हुई थी जनवरी 2022 में। कहाँ से हैं ये, पुणे बेस्ड हैं, तो मतलब ये कैसे है, मराठी ऑथर है, याद रखिएगा, ये कैसे ऑथर है, मराठी ऑथर है, जिनकी अभी हाल ही में क्या हो गई, मृत्यु हो गई जनवरी 2022 में 78 ईयर्स की एज में। वेरी नाइस। नेक्स्ट है आपका, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये बुक जो है ये किसने यहाँ पर लिखी है, रोशनी तिवारी, सौरभ जोशी, संजना दिनकर, तुहिन, अंकिता वर्मा या फिर गोपाल एंड विवेक कुमार। अब आंसर करिए इधर क्या होगा, फटाफट से आंसर करिए, एंड वीडियो को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए ज्वाइन मी हेयर ऑन शीतल शर्मा 01, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर क्लास का आपको PDF जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, RBI असिस्टेंट के लिए इनफ होगा सौरभ,
दिसंबर टू अप्रैल तो मोर देन इनफ है, वो तो मोर देन इनफ है। फिर भी उसमें बैंकिंग के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना, आरबीआई असिस्टेंट में बैंकिंग और आरबीआई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा तुहिन ए सिन्हा और अंकिता जो है उन दोनों ने लिखा है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बायोग्राफी टोल्ड बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो ये मैंने आपको बताया था आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राहुल रवेल, चंद्रचूर घोष, दिनियर पटेल या फिर गौतम चिंतामणि। कौन से मेंस में पूछ रहे हैं राहुल सिंह आप? वेरी नाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रचूर घोष। जल्दी से बताओ राहुल रवेल ने कौन सी लिखी थी? दिव्या करनी चाहिए क्योंकि अगर नहीं करके गई और आ गई तो फिर फंस जाएंगे। तो देखो थोड़ा मोटा मोटा कर लेना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर लेना। एसएससी वालों के जो बेसिक यू नो नोट्स होते हैं ना पॉलिटी और हिस्ट्री के, तो वो करके चले जाना, ज़्यादा आपका इन डेप्थ नहीं पूछेगा। हिस्ट्री में जैसे कि आप बैटल्स कर लेना, मुगल काल कर लेना, ठीक है, मुगल एम्पायर कर लेना, बैटल्स कर लेना। पॉलिटी में आप आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स कर लेना, और थोड़ा सा जो पार्लियामेंट है उसको कर लेना कि भाई पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होते हैं, कितना स्ट्रेंथ होता है, क्या होता है, ये कर लेना, ठीक है। आर्टिकल्स एंड अंबेडकर लिख दिया मैंने अमेंडमेंट्स की जगह, और अमेंडमेंट्स भी ऐसे करना जिससे कोई ना कोई चीज़ बदलाव आए हैं, ऐसे अमेंडमेंट या ऐसे आर्टिकल जिसकी वजह से कोई चीज़ चेंज की गई है, ठीक है, कोई चीज़ चेंज करके की गई है। जैसे कि मतलब आपका जो एज है, वोटिंग की एज थी, ये क्वेश्चन आया था कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हटाई गई, या फिर आपके जो भाषाएं हैं ऐड कौन से अमेंडमेंट के थ्रू करी गई, राइट टू एजुकेशन जो है आपका फंडामेंटल राइट कौन से अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके नोट किसके नोट प्रोवाइड कराने हैं? मैं ना एक मैराथन ले आऊँगी आपके लिए हिस्ट्री और पॉलिटी की, एक दिन बिफोर योर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले एक हिस्ट्री और पॉलिटी की मैराथन ले आऊँगी। उसमें कोशिश करूँगी कि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे रख दूँ जो आपके एग्ज़ाम रेलिवेंट हो। पता नहीं यार अब मेंस में पूछने वाले हैं कि नहीं पूछने वाले हैं, इन लोगों ने सिलेबस तो दिया नहीं है, अब जो मर्ज़ी आता है वो करने लग जाते हैं, जो मर्ज़ी इनका दिल करता है पूछने लग जाते हैं, तो ESIC का तो कुछ भरोसा है नहीं। लेकिन हाँ RBI में आप भरोसा कर सकते हैं इस चीज़ पर कि वहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी नहीं आता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? रतन एंड टाटा की किसने लिखी है? तो वेरी नाइस आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस मैथ्यू ने क्या लिखी है, ऑथराइज्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ रतन एंड टाटा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गांधी असैसिन इन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है? ऑप्शन है राहुल रवेल, VL इंदिरा दत्त, हरीश मीनाक्षी या फिर धीरेन्द्र झा। क्या हो जाएगा आंसर? राहुल रवेल तो नहीं होगा, वो तो है राज कपूर द मास्टर एट वर्क। अब बचे आपके ये तीनों, और ये तीनों में से हमने कोई भी नहीं पढ़ा है, तो अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, ये बुक किसने लिखी है? वेरी नाइस, यहाँ पर करेक्ट आंसर एकदम सही है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पर आज से 74 साल पहले 74 years ago यहाँ पर जो आपके गांधी जी थे वो असैसिनेट किए थे किसने? नाथूराम गोडसे ने। कौन से दिन उनकी डेथ हुई थी? तो आंसर क्या होगा, उनकी डेथ एनिवर्सरी हम कब मनाते हैं? महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी वे सेलिब्रेट ऑन 30th of January। और कौन से ईयर में उनकी मृत्यु हुई थी? 1948 में या 1949 में? तो आंसर क्या होगा, 1948 में मृत्यु हुई थी या 1949 में? तो याद रखिएगा 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी। उस वक्त उनकी एज कितनी थी? उनकी 78 ईयर्स उनकी एज थी। कहाँ पर उनको असैसिनेट किया था? बिरला हाउस के कंपाउंड में, बिरला हाउस के कंपाउंड में, जहाँ पर आपको आज की डेट में गांधी समाधि देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द न्यू ऑथर ऑफ द बुक, न्यू बुक कॉल्ड ममता बियॉन्ड 2021, राहुल रवेल, SS ओब्रॉय या फिर शांतनु घोष या फिर जयंता घोषाल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जयंता घोषाल जो है उसने कौन सी बुक लिखी है, ममता बियॉन्ड
2021 लिखी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो आंसर इधर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, किसने लिखी है बॉस से रिलेटेड, वो लिखी है चंद्रचूर घोष ने। तो बोस और घोष से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बुक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इस बुक को किसने लिखा है, तुहीन ए सिन्हा, अश्विन सांगी, रवि सुब्रमण्यम या फिर शिव खेरा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये तो हो गया आपका होमवर्क, जो आप मुझे सबमिट करेंगे क्लास ओवर होने के बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शीतल शर्मा 01 पर आपको क्लास का जो PDF है वो मिल जाएगा। और अभी आपका सुपर सिलेक्शन सेल चल रहा है, ऑफर चल रहा है, जिसमें आप शीतल कोड का यूज़ करके 30% ऑफ मिलेगा बैंकिंग सब्सक्रिप्शन पर, प्लस 3 months की वैलिडिटी फ्री है सभी बैंकिंग सब्सक्रिप्शन पे। इसके अलावा 50% ऑफ चल रहा है बैंकिंग और इंश्योरेंस के कोर्सेज पे। सो गो एंड चेक olibo.in वेबसाइट और शीतल कोड SHEETL लगाना ना भूलिएगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ